Let's start. Last day in Goa, gonna be crazy. Welcome back to my channel, guys. I'm Arya Vora और आप देख रहे हैं मेरी चैनल में गोवा सीरीज, जिसका है आज का लास्ट एपिसोड. और अभी मैं चिल कर रही हूँ विद मारिया सर्गे. सर्गे इज मारिया. आपने मेरा सीरीज जो देखा उसने इन लोगों ने मुझे सर्फिंग सिखाया. और ये दिस गाय रजत, बहुत लेजी इंसान, बहुत बुलाने के बाद आता है. Your eyes are so beautiful. Green. Thanks for teaching me surfing. I'll come again. And Goa mein agar surfing karni hai, ek do din to kar hi sakte ho. Because it's for fun. Niche details hai. You can contact Maria and you can book your slot. Mera naam de dena, thoda discount bhi mil jayega. Ye jo hai wo hai La Blanca Resort near Arambol Beach. इस बार गोवा में मैंने इतनी सारी जगहें चेंज करी है, यानी अलग अलग एरिया में रही हूँ गोवा के. पहले मैं वागाटो में रही, कलंगुट में रही, आरंबोल में थी, रीवा में, अभी आरंबोल में. ये जो है ला ब्लांका, ये भी बहुत अच्छी रिजॉर्ट है, क्योंकि इसका रूम टैरिफ जो है ना वो काफ़ी रीजनेबल. अगर बजट वाला आप कुछ भी देख रहे हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. क्योंकि एक तो बीच में स्विमिंग पूल, सी यहाँ पर सराउंडिंग कॉटेजेस और इतने प्यारे रूम्स हैं. और उसके बाद उसका टैरिफ ओनली 1200 to 1500. अगर आप 3-4 लोग भी आए तो मज़े आराम से 10-20 दिन रहो, ऐश करो. बट यार दिस प्लेस आई रियली लव इट. और यहाँ से अब मैं जा रही हूँ टैटू कराने के लिए. साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? यस. मैंने क्या सोचा ना, गोवा में हूँ, आई हैव ऑलरेडी टैटू जो मेरे लेग पे है और मेरे बैक में है बटरफ्लाई, यहाँ पर पीकॉक है. बट मैंने सोचा कि मैं कुछ और टैटू कराती हूँ, मुझे यहाँ पर रिस्ट पे कराना है और एक नेक पे कराना है. सही हो रही गो. तो भैया यो टैटू आर्ट गोवा, ये जो है वो स्टूडियो है जो है डबल ट्री बाय हिल्टन होटल, इसके अंदर है. और यहाँ पर मैं कराने जा रही हूँ टैटू. हाय आकाश. हाय रजत, जिसको आप ऑलरेडी मिल चुके हो. ये आकाश रूल्स एंड ये उनका स्टूडियो जहाँ पर मैं टैटू करने वाला हूँ. ये क्या है? I kill you. इन्होंने भी ये टैटू जो है यहीं पे करा है, आकाश ने किया है. वाह. सो अभी यहाँ पर मैं फाइनली टैटू के लिए डिज़ाइन फाइनल कर रही हूँ. इन्होंने एक डिज़ाइन मेरे लिए सिलेक्ट की थी जो मुझे यहाँ पर ये जगह पर यहाँ पर मुझे करनी थी क्राउन. सो ये तीन साइज़ है, उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे. कौन सा? आई थिंक मेरा हाथ तो बहुत छोटा है, ये जाएगा ये वाला. इसका क्या मतलब? मैं पूरा अंधेरा कर दिया और रिंग लाइट ऑपरेट कर रहे हैं आप? मोर फोकस. डायमंड स्पॉट एंड द पर्पल इन टू. इतने सारे कलर्स ये क्या है? तुम बारिश हो इनसाइड में यहाँ पर. टैटू कराना किसको पसंद है किसको नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं टैटू नहीं कराना चाहिए, स्किन कैंसर एंड ऑल. बट जरा लाइफ में जो चीज़ अच्छी लगती है वो एक बार करा लो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, बोलते हैं राइट. और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी टैटू कराने चाहते हो सारी चीज़ें सैनिटाइज की हुई है. ये है ना टैटू का इंक है जो विगन है जो ये यूज़ करता है. सो इट्स वेरी सेफ एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी रिजल्ट. ये टैटू का नीडल्स है ना सर? दिस इज अ फ्रेश नीडल, यू कैन सी द एक्सपायरी डेट 2025. Ah!
कुछ भी अच्छी चीज करने के लिए थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो दिख रहा है हल्का सा, हाँ आधा क्राउन हुआ है अभी, अभी काफी कुछ बाकी है। वाओ, इसमें और कौन सा कलर जाएगा? रेड एंड पिंक मिक्स किया। पहले सिर्फ एक नीडल थी, अभी एक के साथ चार नीडल है। इसमें ये 11 है, 11 नीडल है ये। ऐसे अलग से चीटियां काटती हैं ऐसे, ऐसा फील हो रहा है। थोड़ा नीचे हल्का सा ऑरेंज और येलो का टोन दे दे। व्हाइट ऑफ व्हाइट है, ऑफ व्हाइट अच्छा, ऑफ व्हाइट फिटेगा नहीं लेते। अच्छा चला जाएगा। Otherwise you can either go like teal and orange, which is done over here. Teal and orange. कुछ खाने पीते रहना चाहिए ताकि अपना माइंड जो है ना वो डाइवर्ट रहता है। Any tip for the people who are getting tattooed for the first time? First time tattoo करा रहे हो आप, Red Bull हाथ पे रखो, energy है। दारू मत पीना। ड्रिंक तो अलाउ नहीं है वाले डूइंग टैटू आई थिंक सो, बट नहीं पहले भी अलाउ नहीं है ड्रिंक करना। क्या होता क्या है वैसे ड्रिंक के बाद? ज्यादा ब्लीडिंग निकलता है, ब्लड जाने ज्यादा फ्लो में जाता है ऐसा। मुझे तो वैसे बोल के बिल्कुल मुझे ब्लीडिंग हुई थी पहले, ऐसे अपॉइंटमेंट आता था जब मैंने कराया था तो आज नहीं किया था। दादा आज के हाथों में जादू है, मेरे हाथों में वो जादू है। This is amazing. Thank you. Welcome. So this is much better. So अभी इसको maintain कैसे करना है आकाश? Like कुछ इसके ऊपर cream लगाना है, पानी touch नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ होता है ना? Just wash your tattoo like 2 or 3 times a day. Create a foam with it. With foam and water, clean it nicely. That cleaning is just for today and tomorrow. बाकी शावर कुछ भी नहीं है। Normal shower and all is fine, no problem. You need to just while having shower, make sure you don't rub any soap or shower gel on the tattoo area. Is there any cream to apply on this? I only recommend aloe vera gel because it is natural. Natural is best for tattoos. Wow. Okay, so easy to maintain actually. थोड़ा स्वेल है अभी बट वो निकल जाएगा। पहले मैं डर गई थी, इतना फूल कैसे गया मेरा, क्योंकि यहाँ पर जनरली हम इंजेक्शन भी लेते हैं सेम में यहाँ पर, तो उसी जगह पर ये टैटू किया है। बड़े आई सो रियली ब्यूटीफुल। इसमें कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। सो ये है मेरा टैटू, आई एम डन विथ माई वन टैटू। एक्चुअली मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं 2 टैटू कराने वाली हूँ, बट सम हाउ टाइम ही नहीं बचा और एक ही टैटू खत्म हो पाया। आई थिंक आई हैव टू कम अगेन फॉर माई सेकेंड टैटू बिकॉज आई एम लीविंग फॉर मुंबई टूडे एंड आई हैव फ्लाइट। सो अभी मैं सेकेंड टैटू नहीं करा पाऊंगी, बट आई वॉन्टेड टू डू इट बिकॉज बहुत ही अच्छा डिज़ाइन था, रिगार्डिंग ट्रैवल था, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बैड लक कि मैं आज नहीं करा पा रही हूँ। सो इट्स टैटू आर्ट इन गोवा एंड नीचे डिटेल्स सारी मैंने दे दी हैं, जिसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हो और बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर योर टैटू। ही इज जस्ट अमेजिंग गाइस, बिलीव मी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू सून, वेरी सून, पर कहाँ अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट या कहीं और मिलेंगे। बाय बाय।